हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी। मेरे यूट्यूब चैनल सोनी फूड स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं नारियल पेड़ा, जो कलरफुल नारियल पेड़ा है। ये दिखने में जितना सुंदर लग रहा है, खाने में उतना ही टेस्टी और लाजवाब है। और ये बिना किसी मावा के सिर्फ 10 मिनट में तैयार हो जाता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। नारियल पेड़ा बनाने के लिए यहाँ मैंने एक पैन लिया है, उसको गैस पे रख लिया है। गैस को फ्लेम को हमें लो ही रखना है। और यहाँ मैंने नारियल पेड़ा बनाने के लिए 2 कप नारियल का बुरादा यानी कि डेसिकेटेड नारियल लिया है। ये आपको बहुत ही इजीली मिल जाएगा। तो चलिए 1 से 2 मिनट इसको अच्छे से चलाना है। अब यहाँ मैंने 1 कप नॉर्मल दूध लिया है, ये रूम टेम्परेचर पे है, ये ही हमें डालना है। तो चलिए दूध मैंने इसके में मिक्स कर दिया है। इसको 1 से 2 मिनट हमें अच्छे से चलाना है, जब तक कि ये नारियल का बुरादा दूध को अच्छे से एब्जॉर्ब ना कर ले। तो चलिए 1 से 2 मिनट इसको अच्छे से चलाना है। 1 से 2 मिनट चलाने के बाद यहाँ हम 1 से 2 बड़े चम्मच देसी घी के लेंगे। 1 और 2, 2 बड़े चम्मच मैंने देसी घी के लिए हैं। अगर आपको और ज़्यादा पसंद हो तो आप 1 से 2 चम्मच और ले सकते हैं। देसी घी हमने इसलिए डाला है क्योंकि ये है तले में नहीं चिपकेगा और नारियल का बुरादा अच्छे से घी में भुन जाएगा। तो चलिए इसको 2 मिनट के लिए और चला लेना है। और याद रखना फ्रेंड्स, हमें गैस को बिल्कुल लो ही रखना है। और यहाँ मैंने 1 कप पिसी हुई चीनी ली है, आप सादी चीनी भी ले सकते हैं या फिर आप मिक्सी में चलाकर इसका पाउडर भी बना सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो आप वही ले सकते हैं। तो चलिए अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। ये हमें चीनी डालने के बाद इसको हमें कम से कम 5 से 6 मिनट अच्छे से चलाना है। देखिए जैसे जैसे चीनी मेल्ट होगी ये बिल्कुल पतला पतला होता जाएगा। देखिए ये कितना फ्लफी हो गया है। तो चलिए 5 से 6 मिनट हमें इसको चलाते हुए हो गए हैं। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा हम चम्मच में लेंगे और इसको ऐसे हाथों से अपनी उंगलियों के बीच में इसको, हाँ देखिए बिल्कुल बन नहीं रहा है। तो ये अभी 1 से 2 मिनट और इसमें इसको हमें चलाना है। चलिए 1 से 2 मिनट मैंने इसको चला लिया है। अब फिर चेक करते हैं हम ये अच्छे से हुआ है कि नहीं। ऐसे हमने इसको उंगलियों के बीच में दबा दबा के देखना है। ये अभी भी बहुत गर्म है तो अभी ये भी अच्छे से ये बन नहीं रहा है। ये बिल्कुल गर्म है, थोड़ा सा ठंडा जब हो जाएगा तो ये अच्छे से बनने लगेगा, इजीली ये अच्छे से बन जाएगा। यहाँ मैंने आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर लिया है और 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ काजू बादाम का पाउडर लिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डालिए वरना इसको स्किप कीजिए। चलिए इसको 1-2 मिनट के लिए और अच्छे से चला लेना है। यहाँ अब हमें, क्योंकि हमने कलरफुल पेड़े बनाने हैं तो यहाँ मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है और 1 पार्ट को हम किसी भी बर्तन में अलग से निकाल लेंगे और जो पार्ट मैंने यहाँ पैन में छोड़ दिया है उसको हम उसमें हम कलर मिलाएंगे। नारियल के पेड़े वैसे ही बहुत टेस्टी लगते हैं, अगर बिना कलर के भी आप इसे खाएंगे तो उतने ही स्वादिष्ट लगेंगे। यहाँ मैंने ग्रीन कलर लिया है, आप कोई भी कलर अपनी पसंद का ले सकते हैं। बस 30 से 40 सेकंड ही इसको चलाना है।
और अच्छे से बस कलर मिक्स हो जाए तब तक हमें इसको चलाना है। देखिए कलर अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देते हैं। यहाँ मैंने दोनों को निकाल लिया है, ग्रीन वाले को भी और जो मैंने वाइट छोड़ा था उसको भी, और यहाँ मैंने एक पेड़ा बना के देख लिया है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा मिक्सचर लिया है और अच्छे से इसको उंगलियों से दबा दबा के हमें शेप देना है। ये अभी गर्म है, अच्छे से नहीं बंधेगा, हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो ये अच्छे से बनने लगेगा, लेकिन पूरी तरह हमने ठंडा नहीं करना है इसे, नहीं तो ये बिल्कुल भी शेप नहीं लेगा और बांधनी भी बहुत ही मुश्किल होगी। चलिए ऐसे ही हमें आप दोनों को अच्छे से हथेली पे रख के और दबा दबा के इसमें पेड़ी की हमें शेप देनी है, ऐसे ऐसे रोल करते जाइए और इसको पेड़ी की शेप दे दीजिए। प्रेस करके अच्छे से दबा दबा के पेड़ी की हमें शेप देनी है। ऐसे इसको उठा के हथेलियों पे ऐसे, या फिर आप किचन के प्लेटफॉर्म पे अच्छे से इसको रोल कर सकते हैं, ये बहुत ही इजी बन जाएगा। मानती हूँ थोड़ा ट्रिकी है लेकिन अच्छे से आप बना पाएंगे। देखिए देखिए सुंदर भी बहुत लग रहा है। तो चलिए ऐसे ही हम सारे पेड़ी बना के रख लेते हैं। चलिए एक और मैं बना के दिखाती हूँ आपको। अगर आपको कोई अंदाज़ा ना हो तो मतलब या फिर आप ज़्यादा लें, एक मिश्रण आप ज़्यादा ले लें, ग्रीन वाला या वाइट वाला एक कम ले लें, इसके लिए हम कोई भी आप चम्मच ले लीजिए और सेम मिक्सचर आप दोनों का ले लीजिए तो अच्छे से बनेंगे, क्योंकि हमें ग्रीन वाला भी सेम लेना है और ये भी, दोनों हमें सेम ही रखने हैं, ज़्यादा कम नहीं लेना है। देखिए बिल्कुल ऐसे ही सारे पेड़े तैयार कर लेंगे। यहाँ मैंने सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लिए हैं। देखिए ये कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने यम्मी और कितने टेस्टी होंगे ये, और सिर्फ 10 मिनट में किसी भी झंझट के बगैर हम इसको बना सकते हैं, कोई झंझट नहीं, घंटों हमें गैस के पास खड़ा रहना नहीं है, ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। गाइज एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। यहाँ मैंने दो बिल्कुल ग्रीन कलर के मैंने छोड़ लिए हैं, देखो आप ग्रीन कलर के भी बना सकते हैं या आप ऐसे ही रख सकते हैं बिना किसी कलर के ही, ये खाने में उतने ही स्वादिष्ट लगेंगे। ये मैंने इसलिए कलर डाला है कि ये देखने में बहुत सुंदर लगेंगे और बिल्कुल मार्केट स्टाइल के लगेंगे। देखिए मैंने नारियल का बुरादा थोड़ा इस पर कोट कर दिया है, आप ऐसे भी बना सकते हैं। चलिए इसको भी मैं प्लेस कर देती हूँ यहाँ। देखिए देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं, आप अपनी पसंद से कोई भी कलर ले सकते हैं और बना सकते हैं। तो चलिए बनाइए, खाइए और मेरे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए। देखिए मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ। वाह देखिए कितना जूसी है और खाने में बहुत ही लाजवाब होता है। वाह आप इसे खाएंगे तो ये एकदम से आपके मुंह में घुल जाएगा, इतना टेस्टी यम्मी और बिल्कुल सॉफ्ट है। गाइस मैंने पहले नारियल लड्डू की रेसिपी भी आपके साथ शेयर की है, आप प्लीज़ उसको चेक कीजिए, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ देख सकते हैं। अब ये बहुत सॉफ्ट है गाइस, इनको हम फ्रिज में कुछ दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं, अगर आपका खाने का मन हो तो थोड़ी देर पहले फ्रिज से निकालिए और खाइए। ये कितने जूसी हैं और बहुत ही सॉफ्ट हैं, लेकिन फ्रिज में रखने पर ये थोड़े से टाइट हो जाएंगे। देखिए ये कितना अच्छा है गाइस,
अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो या आपकी किसी भी काम आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।